महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। राम कथा ये वो होती है और आओ वीर हनुमान, आए सुआसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। माँ तुम नाम सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, लाज रखो संकट हरो मेरे पूज गुरु ब्रजेश। तो श्री राधा के पद तुम्हें और हम नमन करें हरि बार, कृपा दृष्ट में कीजियो मेरी नाम लगाई ओ पार। बोली गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो चौथा दिन है, भगवान की अमर पई कथा श्रवण कराते हुए व्यास नंदन सुखदेव जी बोले हैं, सुनिए महाराज परिचय। आप देखे थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे में, कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ। सुखदेव जी समझा रहे, सुनो महाराज परीक्षण, इन गिरिजा ने भोले बाबा से शादी करने के लिए कितने दिन भजन किया। तो एक विद्वान ये बता रहा है कि शंकर जी से विवाह करने के लिए गिरिजा ने एक दो साल नहीं, एक दो महीना नहीं, बल्कि 44,000 साल तपस्या की। वो 44,000 साल के बाद कई भोले बाबा से शादी करने का अवसर मिला है उन गिरिजा को। इधर नारद हेमांचल को खबर देते हैं कि हेमांचल तुम बारात के स्वागत की तैयारियां करो, भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पे दूल्हा बन के आ रहे हैं। इधर हेमांचल तैयारियों में जुटे हैं और इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं। नारद कहते प्रभु बैठे रहे रहोगे, बोले क्या करना है, जवाब दिया दूल्हा नहीं बनना है, शादी नहीं करना। शंकर जी बोले नारद माफ करना, हम तो दूल्हा बनना भूल गए, दूल्हा कैसे बना जाता हमें तो मालूम नहीं। बोले हम बता रहे दूल्हे का श्रृंगार भोले बाबा, जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी कहाँ है? शंकर जी सोचने लगे पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी है। बोले नारद एक काम करो, तुम हमें श्रृंगार बताते चलो अपने और हम ये श्रृंगार खुद ही करेंगे। बोल ठीक। अब हल्दी के बदले में भोले बाबा ने पूरे शरीर से भस्म लपेटी। बोले नारद ये कैसी है? नारद बोले बहुत बढ़िया है, अब काय की कमी है। बोले मोहर और चाहिए, मोहर कहां है? शंकर जी थोड़ी देर सोचा, एक बड़े फन वाले नाग को पकड़ा, जटाओं से लपेट लिया, सीधा पर मोहर दिखाई देने लगा। बोले ये कैसा जवाब दिए, उसे भी बढ़िया है, अब काय की कमी। बोले कंगन और चाहिए, शंकर जी कंगन कहाँ है? देखा शंकर जी ने सामने से पतली सी नागिन जा रही है, उसे पकड़ लिया, कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू चिपका लिया, वो कंगन बन गया। बोले नारद ये कैसा? नारद बोली ये सबसे ही बढ़िया है, क्या दशा है भोले बाबा की, माँ दूल्हा बन रही है। एक कवि कहता है कि बिनागिनिया सुगर कगनिया वो छनों की छटानिया है,
भोला घोड़े बैल की सवारी है। दूल्हा बन के तैयार हुए शंकर जी, बोले अब काय की कमी है नारद? बोले अकेले जाओगे, बारात तो जरूरी है, बारात कहां से लाओगे? शंकर जी बोले बोल भी इंतजाम हो जाएगा, देखो अभी कर रहे हैं बारात की व्यवस्था। पर्वत पे खड़े होके आवाज लगाई, देखो भैया हमारे यहां जितने भी भूत प्रेत हैं वो सब तैयार होके अब हम शादी करने जा रहे हैं, सब लोगों का निमंत्रण है। भूतों ने जब ये बात सुनी तो हो करके भागे, बड़ा दिलन में नंबर आओ। अब काव के हाथ में थारी, एक हाथ में डंडा है तो वो थाली में मार रहा हुआ। अब नारद बोले प्रभु अब और बढ़िया, ना बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। बोले चलो शुक्र और शनिचर जराज राशि बच्चा बन के चले। क्या दर्शाए भोले बाबा की बारात की? तो एक विद्वान ये कह रहा है कि जो बारात शंकर जी की सजी है वो बारात कैसी सजी? अगर किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, और पैर है तो हाथ नहीं है। अगर किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंख ही आंखें, कान है ही नहीं। किसी के सर है तो धड़ नहीं है, धड़ है तो सर नहीं है। वो सर है तो वो शरीर लुढ़कता हुआ बारात में जा रहा है। कैसी बारात सजी भोले बाबा की? तो एक विद्वान ये कहता है भोले बाबा की बरा 10-20 कान आखे भी 10-20